हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपका मेरे चैनल विधि डॉक्टर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्लाइड्स में देख पा रहे हैं, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मेंटेनेंस को लेकर, एक लैंडमार्क जजमेंट को लेकर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रजनेश वर्सेस नेहा एंड अनदर। यह डिसीज़न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को दिया है। तो आइए चलते हैं सीधा जजमेंट की तरफ। दोस्तों, मेंटेनेंस को लागू करने के पीछे सोशल जस्टिस की भावना रही है। जैसा कि आपको पता है, अपने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस को लेकर बात की गई है। साथ ही आपको पता है आर्टिकल 15(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स को यह पावर देता है कि वो बच्चे एवं महिलाओं के लिए अलग से कानून बना सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। सेक्शन 125 CRPC में दिया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन 24-25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, सेक्शन 37 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 एंड 20। दोस्तों, तो अब हम इस जजमेंट के फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट में देख पा रहे हैं, 1/9/2013 को वाइफ ने कोर्ट में पिटीशन लगाई मेंटेनेंस के लिए, खुद के लिए एवं उसके माइनर बच्चे के लिए। लेकिन जो फैसला आया वो 31/8/2015 को फैमिली कोर्ट ने 15,000 रुपये पर मंथ वाइफ को देने के लिए कहा एवं 5,000 रुपये पर मंथ बच्चे को देने के लिए कहा। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है पीछे से, फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एंड उसके बाद में 1/9/2015 से कोर्ट ने इसको बदल कर 10,000 रुपये पर मंथ देने के लिए कहा। जिस चीज़ का हस्बैंड है जो रजनीश, उसने अपोज किया और उसकी उसने अपील करी बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच में, जो कि 2018 में डिसमिस कर दी गई। एवं कोर्ट ने रजनीश को 2,00,000 रुपये इंटरिम मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर किया एंड 3,00,000 रुपये फर्दर जो अदर कॉस्ट थी उसके लिए उसको कहा गया। लेकिन रजनीश ने 14/10/2019 तक सिर्फ पार्ट पेमेंट किया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उसको फाइनल अपॉर्चुनिटी दी 30/11/2019। साथ ही कोर्ट ने कह दिया कि अगर आप 30/11/2019 तक पैसे नहीं जमा करवाते हैं तो रजनीश के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही स्टार्ट की जाएगी। बाद में कोर्ट का 17/12/2019 को एक और ऑर्डर आता है जिसमें रजनीश को 1.45 लाख रुपये विदिन 45 डेज देने के लिए ऑर्डर किया जाता है, जो कि रजनीश 4/8/2020 को कोर्ट में एफिडेविट फाइल करता है कि उसने 1.45 लाख रुपये तो चुका दिए हैं, लेकिन जो बाकी की जो रकम है वो उसने अभी तक नहीं चुकाई है, जो 10,000 पर मंथ के हिसाब से बनती थी। अगेन कोर्ट का ऑर्डर आता है 25/8/2020 को, जिसमें कोर्ट ने रजनीश को ये कहा कि जो आपका 5 लाख रुपये अमाउंट जो बन रहा है उसका 50% आप विद इन 4 वीक्स कोर्ट में जमा करवा दे। 50% का मीन्स हो गया 2,50,000 रुपये रजनीश को जमा करवाने के लिए कोर्ट ने कहा। इसी दौरान जो मीडिएशन, जो आपको पता है फैमिली मैटर्स के अंदर मीडिएशन करवाया जाता है, समझौता कि हाँ इनका संबंध वापस बनाया जा सके, तो इसी दौरान का कमेटी की रिपोर्ट आती है कि मीडिएशन फेल हो गया, इन दोनों पार्टीज़ के बीच में समझौता नहीं हो सकता। और कोर्ट ने उसके बाद रजनीश को आदेश दे दिया कि जिस दिन से उसकी पत्नी ने घर छोड़ा है उसी दिन से उसको भरण पोषण दिया जाना चाहिए। इसी का रजनीश ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी एंड सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर हाई कोर्ट के जो निर्णय था उसी को बरकरार रखते हुए रजनीश को 15,000 रुपये पर मंथ वाइफ को देने के लिए कहे एवं 10,000 रुपये पर मंथ फॉर चाइल्ड को देने के लिए कहा। लेकिन
साथ में ही जैसा कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार एक नई क्लियर एवं व्यवहारिक व्यवस्था की आवश्यकता थी, तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी ने इसी को एहसास करते हुए, इसी को समझते हुए, इसी जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो लैंडमार्क गाइडलाइंस है, ये हमें सबको ध्यान में होनी चाहिए। इस जजमेंट को आने से पहले की क्या पोजीशन थी, हम उसे समझ लेते हैं। इस जजमेंट को आने से पहले जब भी कभी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए वाइफ के द्वारा एप्लीकेशन लगाई जाती थी, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करता था कि हाँ, वह पत्नी अपने आप को असमर्थ है मेंटेन करने में और उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। साथ ही में कोर्ट जो मेंटेनेंस की अमाउंट थी उसको खुद ही से डिसाइड करता था, जो कि कभी वाइफ के लिए सफिशियंट होती थी, कभी नहीं होती थी। एवं जब कोई वाइफ किसी अन्य प्रोविजंस के तहत, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मेंटेनेंस के लिए कई सारे एक्ट्स में प्रावधान दिए गए हैं, तो वाइफ डिफरेंट एक्ट्स के तहत भी मेंटेनेंस लेने की हकदार थी। लेकिन इस जजमेंट को आने के बाद में यह सब स्थितियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट कर दी गई हैं। इस जजमेंट को आने के बाद में जब महिला के द्वारा एक से अधिक किसी एक्ट में मेंटेनेंस के लिए पिटीशन लगाई जाती है, तो जिस एक्ट में पहले उसको मेंटेनेंस दिया गया हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए जो दूसरे एक्ट में अमाउंट उसने मांगी है उसको सेट ऑफ करके दिया जाएगा। साथ ही में अगर पत्नी से कोई भरण पोषण पहले से ले रही है, तो नई कार्यवाही में रकम तय करते समय पहले वाली जो रकम है उसको ध्यान में रखा जाएगा। सेकंड जो है क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के क्वांटम को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमेशा ही एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी कि कितनी रकम तय की जाए जो पत्नी के लिए सफिशियंट हो या पति उसको देने के लिए अफोर्डेबल हो, क्योंकि पत्नी हमेशा पिटीशन में पति की जो आय है वो ज़्यादा बताती है कि ये बहुत ज़्यादा कमाते हैं, पति हमेशा अपने खर्चे ज़्यादा दिखाता है। तो इसी स्थिति से निपटने के लिए कोर्ट के पास पहले ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, कोई भी ऐसी गाइडलाइंस नहीं थी, तो इस जजमेंट में कोर्ट ने यह स्थिति भी क्लियर कर दी है। इसके समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि पति एवं पत्नी दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अपनी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का उनको ब्यौरा कोर्ट में देना पड़ेगा। उस एफिडेविट में उनको एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में उनके नाम, दोनों पार्टीज की जो भी डिटेल्स है वो, उनका एजुकेशनल क्राइटेरिया, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एवं साथ ही में उनका कमाए जाने की क्षमता के लिए भी उसमें एक कॉलम दिया हुआ है कि वो, उनको क्या काम आता है या उनकी ऐसी क्या शिक्षा है जिससे वो कमा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, पत्नी को भी यह बताना होगा कि वह शादी से पहले क्या जॉब कर रही थी। जैसा कि आपको पता है कि पत्नी शादी से पहले जॉब कर रही होती है, लेकिन भरण पोषण की जब बात आती है तो वो कोर्ट में कहती है कि वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए अक्षम है और वो अपनी पहले की जॉब का भी ब्यौरा छुपा लेती है। तो इसीलिए ये वाइफ के लिए स्पेशली इसमें लिखा गया है कि पत्नी शादी से पहले क्या जॉब कर रही थी, ये भी उसको बताना पड़ेगा। साथ ही में इसका फॉर्मेट जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर लोकल कोर्ट्स अलग अलग अपने जगह के हिसाब से उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो इसमें चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही में इसमें यह व्यवस्था भी दी गई है कि जो इंटरिम मेंटेनेंस की जो राशि है उसका जो क्राइटेरिया होगा वो दोनों के द्वारा एफिडेविट देने के हिसाब से ही होगा। पहले ये होता था कि सिर्फ पति को ही उसके असेट्स एंड लाइबिलिटीज का डिटेल्स कोर्ट में देना होता था, अब पति एवं पत्नी दोनों को देना होगा। ये डिटेल्स देने के पीछे कोर्ट का मकसद ये रहा है कि कोर्ट के सामने दोनों पार्टीज की पर्याप्त जानकारी कोर्ट के सामने आ जाएगी कि पत्नी क्या मेंटेनेंस लेने की हकदार है,
अगर है तो कितनी अमाउंट होगी और पति भी किस हद तक दे सकता है, और अगर कोई पक्षकार एफिडेविट में गलत जानकारी देता है तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 195 एंड 340 सीआरपीसी के अंडर प्रोसिक्यूशन भी चलाया जा सकता है। और इस जजमेंट के बाद में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन जो सेक्शन 125 सीआरपीसी में था कि डेट ऑफ एप्लीकेशन या डेट ऑफ ऑर्डर से जो मजिस्ट्रेट को सही लगे वो उसी तारीख से उसको मेंटेनेंस देने के लिए कह सकता है, लेकिन इस जजमेंट में ये बात भी, ये कॉन्ट्राडिक्शन एकदम क्लियर कर दिया है। वो साफ लिखा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस से ही भरण पोषण के लिए आदेश दिया जाएगा। और इस जजमेंट की गाइडलाइंस आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट जजमेंट है, सभी रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट्स को भेजने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, साथ ही में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी भेजने के लिए कहा है, वेबसाइट्स जितनी भी हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उन पर भी अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए पब्लिश करने के लिए कहा है। तो दोस्तों आई होप ये आपको जजमेंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको कुछ इस जजमेंट के बारे में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।